बाग फ्लावर रेमेडी इज अ लंदन बेस्ड थेरेपी जिसमें आपको ऐसे बॉटल्स में मिलेगा, लाइक दिस इज स्टार ऑफ बेथलेम, ठीक है। ऐसे 39 फ्लावर्स के बारे में डॉक्टर बाग ने हमें बताया है, हु वॉज अ डॉक्टर। उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की, उनके जाने के बाद उनकी बेटियों ने इस पे रिसर्च किया और हम लोगों को, और ये लोग दिए जा रहे हैं और क्या कॉम्बिनेशन है इसके बारे में। सो दिस इज वेरी वेरी इजी टू लर्न, लाइक ईच आई मीन डॉक्टर बाग का कहना है कि ऑल द फ्लावर्स आर आर सोल फ्लावर्स, हमारे सोल फ्लावर है। लाइक एक-एक के एक-एक क्वालिटी होती है ना, एक-एक जनों का एक-एक क्वालिटी होता है, राइट। वैसे ये 39 फ्लावर्स का एक-एक क्वालिटी है, और आप जब इन सब क्वालिटीज को पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अच्छा मैं ये भी फ्लावर ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। सो दीज फ्लावर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, बिकॉज ये सारे फ्लावर्स जो है हमें इमोशंस क्या है वो बताते हैं। क्योंकि डॉक्टर बाग का कहना है कि हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, लाइक रिलेशनशिप इश्यू हो गया, हेल्थ इश्यू हो गया, फाइनेंशियल इश्यू हो गया, या जैसे मैंने बोला मैं अपने घर बेचने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन यूज किया है, या यू नो लाइक अनवांटेड गेस्ट आए जा रहे हैं घर पे, यू कैन यूज दिस फॉर ईच एंड एवरीथिंग, इवन फॉर मैरिज कॉम्बिनेशन। अगर कोई आप अपने लड़का देखने जा रहे हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसके बाद टिल द मैरिज हैपेंस तब तक क्या होगा, इवन उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द कॉम्बिनेशन, जैसे आपका प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे आपका प्रेजेंट इमोशंस जान के। पता है बाक फ्लावर रेमेडी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वी ऑल बिकम साइकोलॉजिकल डॉक्टर, बेसिकली साइकोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। कैसे, व्हाट इज साइकोथेरेपी? साइकोथेरेपी इज ऑल अबाउट इमोशंस, राइट। इमोशन के बारे में वो लोग पढ़ते हैं और उसके ऊपर वो दवाई देते हैं। सेम उसी हिसाब से हम लोग इमोशंस क्या है वो पढ़ेंगे हर एक फ्लावर का, एंड उसको हम इंडिविजुअली हर एक पर्सन के ऊपर लगाएंगे और कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाना सिखाएंगे। एंड इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट एक और है कि आपको काउंसलिंग करना आएगा, क्योंकि आधा सा ज्यादा जो केस आता है, कोई भी क्लाइंट आते हैं आपके पास, ठीक है, जब भी कोई क्लाइंट आता है, थैंक यू सो मच शिवानी। सो जब भी कोई क्लाइंट आता है आपके पास, वो आपका एनर्जी कैसा है वो फील करता है, ओके। जब आपकी एनर्जी इतना सटल होता है, क्योंकि ये बाक लेते 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 आपकी एनर्जी बहुत सटल हो जाती है,